मैं मौजूद हूँ नवगठित नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में इस वक्त नगर पंचायत का चुनाव है और चुनाव के जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, सभी जो नए प्रत्याशी थे वो लगातार जनता को रुझाने में लगे हुए थे और अब नामांकन की प्रक्रिया वो भी समाप्त हो चुकी है और चुनाव चिन्ह आ चुका है। चुनाव चिन्ह आने के बाद सभी प्रत्याशी जनता को रुझाने के लिए, मतदाता को रुझाने के लिए, मतदाता को लुभाने के लिए या मतदाताओं से मिलने के लिए अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी अपील में, इसी कड़ी में हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद है, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है, जरुण पासवान के नाम से मशहूर है, लोग जानते भी हैं, वैसे इनका नाम शत्रुघ्न जी है और इनके साथ सभी समर्थक यहाँ पर इस गांव के हैं। मैं इस वक्त कुशेश्वर स्थान पूर्वी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 3 में खड़ा हूँ, ये कह दीजिए मखनाई टोला में। हमारे पीछे जो तस्वीर आपको दिख रही होगी ये नदी है और ये नदी की एक मुख्य धारा है जिसके कारण उस पार आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है और आज यहाँ के जनता इनसे यही वादा करने के लिए रोके हैं कि चुनाव में आपको वोट देंगे और तभी देंगे जब आप हमारे इस वादे पर खड़े उतरेंगे। इससे पहले यहाँ सभी जनता है उससे बात करेंगे, हम सबसे पहले जरुण जी के पास आएंगे। आप इस बार मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं नगर पंचायत में और आपका चुनाव चिन्ह क्या आया, सबसे पहले आप वो बता दीजिए। सर, चुनाव चिन्ह हमारा कबूतर छाप है जी, जी बाबा का जो है वो सवारी है जी। जी अच्छा संदेश है आपके लिए। जी जी सर, हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। कुशेश्वर स्थान में हम कोई नया कैंडिडेट नहीं है, 20 वर्षों से हम समाज के बीच में आते जाते रहते हैं और समाज हमें दो बार जो है चुनाव आगे से में हमें हार मिला जी। हार मिलने के बाद भी सर हम इस समाज को नहीं भूले हैं, ये सारा सबूत समाज खुद बता देंगे जी। फिर भी हम अपना संघर्ष समाज के बीच में रखे हुए हैं। समाज की इस गांव की मसान ये जो गांव है मखनाई, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है ये सड़क, ये बन जाए यही वही 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 बता रहे हैं सर। क्या आप लोग की मांग यही है ना? ये जो प्रत्याशी बनाएंगे उसको वोट देंगे, आपका क्या क्या बस यही मांग के लिए सर हम आपके पास आए हैं कि इस टोला पर जितने भी प्रतिनिधि आते हैं, एक आज चुप रही, आज प्रतिनिधि के नाते मैं भी हूँ, जो चुनाव यहाँ पर जीत के जाते हैं वो फिर दोबारा घूर के नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। तो आज यह समाज से मैं वादा करता हूँ कि चुनाव अगर यह समाज अगर हमें जिता दिए तो पहला ईट पहला काम मखना ही टोला पर करेंगे, ये मैं वचन देता हूँ सर। आप लोग सहमत हैं? सहमत है। अच्छा, और दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम जो है सर, ये बेहरा जो है, बेहरा का गांव का भी जनता को ये कठिनाई है जो वहाँ से भी नाव से आते हैं, हमने देखा है सर जी। तो दूसरा काम वहाँ होगा सर। तीसरा काम जो है, मैं पहले आपका भी चैनल पर कह दिया हूँ कि तीसरा काम धवलिया में करूँगा मैं। इसलिए सर आप लोगों से यही वादा करता हूँ कि यह काम किसी तरह से समाज को होना चाहिए, क्योंकि 100 गज नहीं होगा बाजार, मेन रोड मिलने में 100 गज नहीं है, लेकिन यहाँ जो है प्रलोभन देकर वचन देकर जाने वाले जाते हैं, लेकिन आज तक इस टोला को कोई। अच्छा जरुण जी, एक बात बताइए, ये लोग आपसे खाने नहीं मांगेंगे जी, ये लोग आपसे पहनने के लिए कपड़ा नहीं मांग रहे हैं जी, भगवान ने इन लोगों को कपड़ा भी दिया है और खाने के लिए अन्न भी दिया है, सिर्फ जरूरत है तो एक सड़क का, सड़क का जरूरत है वो जरूरी है। सर हम आपको कह दिए हैं यह समाज को कोई चीज का कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो एक रोड और एक स्कूल, इस टोला पर स्कूल भी नहीं है, यह बच्चा कैसे जाते पढ़ने के लिए? तो अभी तो आपको बता दिया कि मेरा नाती डूब रहा था तो हम बचाए, यही समस्या है सर, बस रोड मेन चीज है, रोड इसका निराकरण जी, मैं रोड को निकाल करने के लिए तैयार हूँ सर। देखिए कबूतर चुनाव चिन्ह इनका है, क्रमांक संख्या क्या जरा वो भी हम बताइए। 8 है, 8 नंबर क्रमांक संख्या है, उस पर कबूतर इनका चुनाव चिन्ह आए हैं और ये कबूतर उड़ाने के लिए इस गांव में पहुंचे हैं मखनाई टोला में। और मखनाई के जितने भी समर्थक है, जो इनके चाहने वाले हैं और जो यहाँ के स्थानीय जनता है, वो यहाँ पर आज इनको इसलिए रोके हैं ताकि इनका मांग है कि ये सड़क बनवाएगा, जो बनवाएगा चाहे वो जो भी उम्मीदवार हो, हम लोग समर्थन उसी को करेंगे और मतदान भी उसी को करेंगे। यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, हम यहाँ के स्थानीय जनता उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दें कि मखनाई टोला के लोग आज़ादी के बाद आज भी गुलामी की ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? जरुण जी आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। गुलामी का जंजीर वही है सर, आज यहाँ ना रोड है, ना स्कूल है, ना किसी का, देख रहे हैं जो है इंदिरा आवास मिला हुआ है, सब फूस का घर में है। और ये इधर देखिए सर, इधर कैमरा घुमाइए, यह जो है नदी जो मुख्य धारा है, यह चाहता है अगर इसमें से जुड़ जाए सर तो ये नदी बच जाएगा, लेकिन यहाँ के कुछ राजनीतिक करने वाले लोग ये चाहते हैं कि यह टोला को उजाड़ दे। अच्छा
यहाँ के जनता आपके बातों पर किस तरह विश्वास करे, क्योंकि आपसे पहले भी जितने उम्मीदवार यहाँ आए इसी तरह झूठा वादा किए और फिर भूल गए। इसीलिए जनता से सर पूछिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जनता अगर हमें कंधा पर भार देगा तो मैं जनता के काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, और प्रत्याशी के तरह इनका भी वादा झूठा निकला, तब चाचा क्या करेंगे? न्याय निकलेगा झूठा जी सर, 5 साल में थक लेगा हम लोग, फिर मौका आएगा, फिर उतर बात। कुछ महिला उनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रानी कुमारी। अच्छा रानी जी, क्या कहेंगे अभी जो जरून साहब है जो यहाँ पर मुख्य पार्षद के उम्मीदवार है, आपके साथ वोट मांगने आपके पास आए हैं, वादा बड़े बड़े कर रहे हैं, आपको भरोसा है इन पर? हम भरोसा है, लेकिन इससे पहले जो प्रत्याशी आए उन पर भी आप भरोसा जताए थे? ज्यादा किए थे पर नहीं किया, अब उसको नहीं जिताएंगे। अच्छा, जो आपसे भरोसा किए तोड़ दिया, वो तो नहीं जिताएंगे। चलिए, इनसे जो वादा किया वो झूठा वादा था और इनके भरोसे को तोड़ दिया, क्या चाहिए आपको? स्कूल रोड सड़क, बच्चा के जाने आने में बहुत दिक्कत होता, शिक्षा की जरूरी है। शिक्षा की जरूरत, देखिए शिक्षा नहीं होगा तो लोग जागरूक नहीं बनेंगे और यही कारण है कि बिहार दुनिया के सबसे पिछड़ा इलाका है। इसलिए कहा जाता है कुशेश्वर स्थान में शिक्षा की सबसे बड़ी किल्लत है। आप कुछ कह रहे थे? जी जी, इसीलिए जो इस बच्चा जो 4 घंटा पढ़ाई करता है वो 2 ही घंटा पढ़ता है। हाँ, क्योंकि जल्दी आना होता है। अच्छा, बच्चा को उस पर लाने जाने के लिए माँ बाप को जाना पड़ता है? जी, खुद जाना पड़ता है। लाभ होता है तो जाते हैं, नहीं होता है तो नहीं जाते हैं, लेट हो जाता है। जहाँ ऐसे में तो रोज बच्चा नहीं जाता होगा? नहीं, किसी किसी दिन रुक चाहिए, 40 बच्चा आता है, 20 बच्चा आंगनबाड़ी में। यहाँ भी बच्चा नहीं आता? नहीं। अच्छा जरून जी, यहाँ की महिलाएं शिक्षा पे जोर दे रही है, महिलाओं का कहना है कि शिक्षा जरूरी है और एक सड़क जरूरी है, आप क्या कहेंगे? शिक्षा तो सबसे पहले जरूरी है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बोले थे कि हर घर में शिक्षा होना चाहिए, तब ज्ञान होगा, तब अकिल बुद्धि होगा। तो सर महिला जो बोल रहे हैं वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, शिक्षा उनकी बाल बच्चा को भविष्य है। मैं इनके स्वागत करता हूँ, महिला को जो इतना बात वो बोले, मैं साहस करके बोली जी, तो मैं इनका बातों का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा सर, बस एक बार आशीर्वाद चाहिए। आप लोग दे रहे हैं आशीर्वाद? हाँ जी हाँ। देखिए जरून साहब यहाँ मौजूद हैं, मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं, हालांकि कबूतर छाप इनका चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 8 पर है। मैं इनका प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसा कि अभी महिलाएं बता रही थी कि इस गाँव में शिक्षा का अभाव है, इस गाँव में ये सड़क का अभाव है, जो भी प्रत्याशी इस सड़क को बना दे या जिन्होंने जो वादा करने आए हैं उनके वादा अगर सही रहे तो इस बार तो वो जीतेंगे, लेकिन अगले बार फिर क्या होगा ये भगवान भरोसे है। नहीं सर जी, मैं चुनाव जीता हूँ तो मैं आपको विश्वास कर रहा हूँ और चैनल के माध्यम से विश्वास कर रहा हूँ। पहला काम करूंगा तो मखना ही करूंगा, चाहे सर इसके लिए कितना भी अगर नेता कोई दबाव दे दे मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं पहला काम करूंगा यहाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले खबर में फिर आपसे होगी हमारी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे भी इजाजत दीजिए।